हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम सब देखने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स। हम आपको बता दें, अगर आप सब्सिडरी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई ना है, तो चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सब्सिडरी बुक क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं सब्सिडरी बुक के, और उसके एडवांटेज क्या होता है। चलिए दोस्तों, अपने लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिए हुआ सब्सिडरी बुक्स, बेसिकली दोस्तों, अगर कोई बिजनेस छोटा होता है तो यह पॉसिबल होता है कि उस बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाए। लेकिन जब बिजनेस बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, तो यह पॉसिबल होता ही नहीं है कि ये सारे ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ही जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए। तब इसके लिए जर्नल को हम सब जर्नल में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। सब्सिडरी बुक का मतलब ही दोस्तों होता है कि सिमिलर टाइप के सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। जैसे कैश के सारे लेन देन को सिर्फ एक बुक में रिकॉर्ड करना, क्रेडिट परचेज के लिए अलग एक बुक, क्रेडिट सेल्स के लिए अलग एक बुक होती है। इस तरह दोस्तों, सब्सिडरी बुक वह होती है जहां ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसे प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं दोस्तों सब्सिडरी बुक के। तो बेसिकली दोस्तों, 8 टाइप्स के होते हैं सब्सिडरी बुक के। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, आगे है कि परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसिवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक्स, जनरल प्रॉपर बुक्स। तो ये 8 टाइप्स के बुक होते हैं जो कोई भी बिजनेस एंटिटी इन को यूज़ करती हैं कि अपने अकाउंटिंग के लिए। आगे देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है सब्सिडरी बुक के। तो बहुत सारे एडवांटेज यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। होता यह है कि दोस्तों, अगर कोई पर्टिकुलर एक पर्सन किसी एक बुक पे काम कर रहा है, तो अपने स्टाफ को या अपने एम्प्लॉय को किसी एक पर्टिकुलर बुक पे हम उसको वो काम करने के लिए दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिवीजन हो जाता है वो वर्क का, इंक्रीज इन इफिशेंसी। सब्सिडरी बुक होने से किसी भी एंटिटी के लिए क्या होती है कि उसकी इफिशेंसी इंप्रूव होती है। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होता है क्या कि जैसे कि कैश बुक पे अगर कोई एक पर्सन काम कर रहा है बहुत दिनों से, तो उसका स्पेशलाइज हो जाता है कि उसमें कोई भी गलती होने की संभावना कम रहती है। इजी फॉर रेफरेंस, अगर कोई चीज़ गलती हो गई है उसे ढूंढना है, तो हम पर्टिकुलर एक किसी एक बुक को उठाते हैं और उससे में हम ढूंढ लेते हैं कि उसमें गलती हुई है कि नहीं हुई है। तो ईजी होता है किसी भी रेफरेंस के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड होता भी है, जैसे कि अगर कोई सेल्स में अगर कोई फ्रॉड होता है, तो हम एग्जैक्टली हम सेल्स बुक उठा के हम चेक कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमें प्रोटेक्शन करता है कि फ्रॉड होने से। फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस ये होता है दोस्तों कि सब्सिडरी बुक कोई भी बिजनेस एंटिटी अपने सुविधा के अनुसार यूज़ कर सकती है कोई भी बुक। तो ये फ्लेक्सिबल नेचर का भी होता है सब्सिडरी बुक। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।